Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the oxidation and reduction. ठीक है, last class में मैंने आपको oxidation और upchain के बारे में बताया था, और जो मैंने बताया था वो बिल्कुल old concept था जो कि हम 10th class में पढ़ते आ रहे हैं, है ना students? आज हम आपको 11th class की ओर लेके चल रहे हैं एक step, बहुत ही easy way में मैं आपको इस chapter को पढ़ा रहा हूँ, और अगर ये chapter अच्छे से समझ में आ गया तो ये बहुत आपके काम का होगा, क्योंकि इस चैप्टर से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है एनसीईआरटी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फॉर कंपटीशन पर्पस। ओके, तो हम बात करते हैं बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। आजकल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, कभी भी आज हम जो ऑक्सीकरण अपचयन डिसाइड करते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर नहीं करते, बल्कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, कि आखिर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को डेफिनेशन बोल के दिखाऊंगा, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, दैट रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट से, किसी आयन से, किसी तत्व से, समझ में आ रहा है, किसी कंपाउंड से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से, किसी आयन से, किसी परमाणु से, किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। अंडरस्टैंड, मैं फिर से इस रिएक्शन को, इस डेफिनेशन को बताता हूं, इसका मेन पर्पस है, इसमें मेन पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इन द वन वर्ड, अगर वन वर्ड में हमें ऑक्सीडेशन को समझना है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये देखिए, दिस इज द एमजी बोले तो मैग्नीशियम, क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, मैं मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये आपको सबको नजर आ रहा होगा एरो, ये एरो यहां पर रिएक्शन को शो करता है, ये रिएक्शन हालांकि कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये हाफ रिएक्शन है। क्यों है हाफ रिएक्शन, मैं आपको बताता हूं, एक रिएक्शन कभी भी अकेली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, किसी भी रिएक्शन में केवल और केवल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना वहां रिडक्शन भी जरूर होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, दोनों हमेशा कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर दोनों में से अगर आप केवल एक ही चीज को देख रहे हो, केवल ऑक्सीडेशन को ही देख रहे हो, इट मीन्स आप हाफ रिएक्शन को देख रहे हो, आप आधी अभिक्रिया को देख रहे हो, पूरी अभिक्रिया को नहीं देख रहे हो। तो यहां पर केवल ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हो आप, तो ऑक्सीडेशन ये एक हाफ रिएक्शन है, एक अर्ध अभिक्रिया है। तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये मैग्नीशियम है और इस मैग्नीशियम से मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बच्चों ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है, और अभिक्रिया के चिन्ह में तीर के निशान की तरफ सिर, ये सिर होता है, ये पूंछ होती है, सिर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अगर पूंछ की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, ये पूंछ है, इस साइड लिखे जाते हैं क्रियाकारक की तरफ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। फिर से देखिए, इस मैग्नीशियम से
दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहां से निकल रहे हैं, मैग्नीशियम से। जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके ऊपर धनावेश पॉजिटिव चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका इसका अपोजिट करते हैं, इसका अपोजिट करोगे तो अगर आप इसका अपोजिट देखोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, किसी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हो, ठीक है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, एक किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किए जाए, ग्रहण किए जाए, तो उस एलिमेंट का क्या होगा, अपचयन होगा, अंडरस्टैंड, उसका रिडक्शन होगा। तो यहां पर मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो मैंने इसको उत्पाद में यानी कि प्रोडक्ट की तरफ लिखा है, और यहां पर क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए मैंने उसको रिएक्टेंट की तरफ लिखा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ लिखे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिएक्टेंट की तरफ लिखे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिडक्शन होता है। तो द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे हम अपचयन कहते हैं, या आप लिख सकते हो, ठीक है। द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट और कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिमेंट के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए, कोई तत्व के अलावा कोई आपका एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अब मैं गौर से देखना, यह भी एक हाफ रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, यह भी कैसी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है। मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता, सिंगल रिडक्शन कभी नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज साथ साथ होते हैं। इसके लिए बच्चों एक नया टर्म आया है, रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब अपचयन, अपचयन, अप का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, अपचयन प्लस उपचयन दोनों को मिला के बनता है अपोपचय। तो अपोपचय हिंदी वर्ड है, कहीं नहीं पूछता, इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स की हम बात करेंगे, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वर्ड वर्ड में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की परिभाषा बताइए, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ पाए जाती हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं। सो दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से, ऊपर मैंने एमजी ने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर तो हुआ है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें हुआ है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां को इलेक्ट्रॉन की हानि हुई है, यहां इलेक्ट्रॉन इसने ऑब्टेन किए हैं। तो देखो एमजी जो है यहां पर एमजी को ऊपर, इधर एमजी प्लस टू में गया था, और सीएल जो है वो यहां पर माइनस टू में, यानी कि माइनस वन में गया है, लेकिन दो के लिए यहां पर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस में गया है, आप तो माइनस में मान के चलो। तो अगर आप गौर से देखो, सीएल ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सीएल का यहां पर सीएल का हुआ है रिडक्शन, ठीक है बच्चों,
और Mg का यहां पर हुआ है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जब निकल के आता है तो अगर आप गौर से देखो, क्या यहां पर एक सिंगल एलिमेंट है आपको सबको नजर आता है? सिंगल एलिमेंट जब भी होगा, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, याद रखेंगे। यानी कि यहाँ Mg के ऊपर जीरो है, जीरो से ये प्लस टू में जा रहा है। यहां पर अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझाया नहीं है, इसलिए मैं आपको एक तरीके से चार्ज की बात लेके चलता हूं, ठीक है। आप ये मान के चलिए चार्ज, तो यहां पर चार्ज जीरो है, जीरो से प्लस टू में जा रहा है। यहां पर चार्ज जीरो है और जीरो से जब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो माइनस टू में जा रहा है, या फिर आप यहां माइनस टू है या जीरो है। एक्चुअल में हम यहां पर एक टर्म्स पढ़ेंगे, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे समझ में आएगा, उसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको यहां पर एक टर्म्स बता रहा हूं, छोटी सी चीज बता रहा हूं, वो आपको बहुत फायदा देगी। कि देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, बस इतना सा याद रख लो, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ता है। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है हमेशा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है जब भी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इट मींस ऑक्सीडेशन। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों डिक्रीज होता है, ये याद रखेंगे। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो इसका मतलब रिडक्शन। तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। बस बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, मैं जितनी बातें बताऊं मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो इस एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आप खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद फिर आपको अपने एफिशिएंसी का पता चल जाएगा कि हम कितना कर सकते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद। तो मैंने यहाँ पर जो चीज बताई है, मैंने बोला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है उस वक्त ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाओगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको फिर ये ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी बुक में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों नोट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको समझाऊं तो आप आसानी से उनको समझ सको। एक बार पढ़ना जरूर, आपकी बुक में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स गिवन है, पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 इंग्लिश मीडियम का
जो पेज है वो है ऑक्सीकरण नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। 6 रूल्स आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, आपको पढ़ने हैं। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी बुक में लिखा होगा ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है। 6 रूल्स दिए हुए हैं, देखना आपका चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है उस चैप्टर में शुरू होने के बाद आपके दो तीन पेजों के बाद ही आपको ये मिल जाएंगे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।